Hey guys, welcome to my YouTube channel and today I am going to share with you guys a 100% working home remedy जो ना सिर्फ आपके बालों के ग्रोथ को प्रमोट करेगी बल्कि साथ ही आपके बालों को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी। अगर आपके डैंड्रफ की समस्या है तो ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस गाइस, इससे आपके बालों को एक शिल्की और शाइनी टेक्सचर भी प्रोवाइड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में है एलोवेरा लीफ और इसके दोनों साइड्स को हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे और कट कर लेने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा फ्रेश जूसी एलोवेरा लीफ। तो इस तरीके से कुछ हम कट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। बहुत आराम से हमने इसको कट कर लिया है। ये एक लगभग 5 इंच का एलोवेरा लीफ का टुकड़ा है और फिर इसे इस तरीके से चाकू से रब करते हुए हम लगभग 3 चम्मच एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है गाइस। ये ना सिर्फ एक नेचुरल हेयर कंडीशनर के जैसे वर्क करता है बल्कि ये आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी रखता है, आपके डैंड्रफ की समस्या से आपको छुटकारा दिलाता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बालों के ग्रोथ को डबल कर देता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है गाइस तो इसको इस रेमेडी को आप महीने में 4 बार इस्तेमाल कीजिए, आपके बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी प्रमोट होगी। आप कुछ इस तरीके से 3 चम्मच एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए गाइस। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट जो कि है कोकोनट ऑयल। तो हमें यहाँ पे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल की नीड होगी। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिया है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल ना हो गाइस तो आप इसमें अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल भी बहुत ज़्यादा हेयर्स के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जाना जाता है गाइस। तो आप इसमें कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इसको काफ़ी अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को सिर्फ और सिर्फ आपको आपके स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करनी है और इसको कम से कम आप आधे घंटे रहने दीजिए अपने स्कैल्प के ऊपर। देन आप वॉश कर लीजिए और इसे आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा गाइस। एंड ये थी आज की रेमेडी गाइस। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में आके मुझे लिखे डन। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज़।